बहुत उपयोगी है जब कैंटीन के बेस्वाद समोसे भी मुझे स्वाद लगने लगे। मुझे भूख लगी थी जोरों की, तो जैसे ही क्लास खत्म हुई मैं भागा दौड़ा कैंटीन पहुंचा और एक प्लेट समोसा ऑर्डर कर दिया। जैसे ही समोसे की प्लेट आई, आदत से मजबूर हुआ, काउंटर पर ही मैंने समोसा उठाया और खाने ही वाला था कि अचानक पीछे से आवाज आई, "Excuse me, would you dare eat that?" वो समोसा मेरा है, ऑर्डर पहले मैंने किया था, पिछले 15 मिनट से आप खड़ी हो, how dare you? मेरी आवाज लड़की की थी तो मैं भी पीछे मुड़ा। जब पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि अपने खुले मुंडाले बालों को समेट कर पेंसिल से बांधती हुई उस गुस्से से हुए लाल खूबसूरत से चेहरे पर लगे चश्मे को ठीक करती हुई एक काली कुर्सी में लड़की थी जो मुझे कुछ कह रही थी और मैं उसे देखता ही रही। और देखते ही देखते मैडम जी गुस्से में मेरे हाथ से समोसा छीना और छीनकर चली गई। और हुआ यूं था कि जब उसने समोसा छीना तो छोटा सा टुकड़ा मेरे हाथ में रह गया था। उसे जाते देख वो टुकड़ा मैंने खाया। यारो सच कहो लव इट फर्स्ट साइड का तो पता नहीं, लव इट फर्स्ट बाइट जरूर हो गया। अब बस वो चली गई तो फिर मैंने भी भूख लगी थी तो काउंटर से दूसरी प्लेट ली और अपने टेबल की ओर चला गया। मैंने देखा कि कुछ देर बाद वो मेरी ओर आ रही है। वो मेरे पास आई, उसने कहा, "Hi, I'm Sneha, I'm extremely sorry." असल में बात यह कि I'm a diabetic और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी और आज का दिन भी इतना खराब जा रहा था, शायद इसी वजह से सारा गुस्सा तुमको निकल गया। मैंने कहा, "It's fine, no problem, I understand." फिर कुछ देर हाँ हेलो करने के बाद वो दुनिया की सबसे खूबसूरत स्माइल देकर मुझे गुड बाय कहकर वहां से चली गई। अब कुछ मुलाकातें ऐसी होती है कि सिर्फ किस्से और यादें बनकर रह जाती है। कुछ मुलाकातें ऐसी होती है कि सिर्फ किस्से और यादें बनकर रह जाती है। लेकिन कुछ तो था हमारी उस मुलाकात में कि मुझे इसमें कहानी बनती हुई नजर आ रही थी। तो बस इसी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने वही किया जो शायद ऑलमोस्ट हर लड़का करता है। दिक्कत ये कि हम लड़कों में सामने से जाकर लड़की से बात करने की हिम्मत होती नहीं, तो हम दूर से ही उनका पीछा करते हैं और इसी उम्मीद रहती है कि वो भी मुझे कभी देखेगी हमें। तो मैंने वही किया, आई फॉलोड हर कॉलेज से घर, घर से कैफे, कैफे से पीछे, फंक्शन से वापस घर, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, आई फॉलोड हर एवरीवेयर। वो पूरा दिन मैं उसकी खूबसूरती को अपने कैमरा फ्रेम में कैद करता और रात भर उन्हीं तस्वीरों को देख करके सपना देखता कि यार लाइफ कितनी सेट हो जाएगी ना जब ये इसमें आ जाएगी। तो बहुत सही जा रहा था, आई गेस ये सिलसिला कुछ एक डेढ़ महीने तक चला और मैं सच में बहुत खुश रहता था उन दिनों। और बात ऐसी थी कि वो फर्स्ट पेज होता है रिलेशनशिप का, इसमें लड़की को पता भी नहीं कि वो रिलेशनशिप का हिस्सा है और तुम्हारे यार दोस्त ने अभी से भाभी कहकर बुलाने लगे। उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे उसने अपने पर्स में हाथ डाला और एक पेपर पे निकाला, लेकिन जब तक वो पीछे मुड़ती है वहां से गायब हो चुका था। वो डर गई थी, सहम गई थी कि कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है। उसने अपना होश संभाला और घर की ओर भागने लगे, लेकिन डरी इतनी हुई थी कि उसके कदम लटकाए और वो गिर गया। किसी तरह करते संभलते वो घर पहुंची, लेकिन इस हादसे का इतना गहरा सदमा पहुंचा था उसे कि वो एक हफ्ते वो कॉलेज नहीं आ सका। बात सिर्फ इतनी सी है कि उस रात उसने मुझे उसका पीछा करते हुए नहीं देखा था, लेकिन मैंने देखा था। मैंने उस अंधेरी रात में उसका डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा, लाचार एक लड़की का उस अकेली सड़क पर चेहरा देखा था और मैं समझ गया था कितनी बड़ी गलती कर रहा था मैं। यार बहुत आसान है, हम लड़के जिस चीज को नादानी समझते हैं वो किसी लड़की की हस्ती खेलती जिंदगी में खौफ कर सकता है। जब जंगल में बात समझा कि कितनी बड़ी गलती। मैंने पूछा मुझसे, यार व्हाट द हेल डू आई वांट, क्या मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा क्या वजूद हो उसकी जिंदगी में, एक लवर का? क्योंकि काम तो मैं लवर जैसा कर नहीं रहा था, मैं काम किसी स्टॉकर जैसा कर रहा था
जो उसका पीछा करता है हर जगह पर और जिसका जिससे उसको डर रहता है सारी उम्र। तो जवाब साफ था, एक हफ्ते बाद जब वो कॉलेज आई मैं हिम्मत जुटा कर उसका सामना किया, जिसके पास गया और उसे सब सच बताया। उसने पूरी कॉलेज के सामने खींच कर मुझे तो थप्पड़ मारे बट इट्स फाइन आई डिजर्व इट। वो वहां से रोटी भी चली गई। अब कहानी ना यहाँ खत्म नहीं होती, मैं यहाँ इसे खत्म होने ही नहीं दे सकता क्योंकि उसने ना मेरे दिल में घर कर रखा था और मैंने उसके दिल में खौफ था। बस इतनी सी बात थी जो मुझे बदलनी थी। तो कुछ दिनों बाद मैंने फिर से हिम्मत करी और फिर मैं उसके पास तो लाइब्रेरी में अपनी दो सहेलियों के साथ बैठी थी। मुझे उसकी और आदत एक उठकर जाने वाली थी कि मैंने कहा प्लीज तुम, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी शक्ल तब नहीं देखी और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद की शक्ल तुम्हें कभी दिखाऊंगा भी नहीं, लेकिन प्लीज दो मिनट सुन लो। मैंने उसे कहा तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है, मैं आज भी जब अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे वही तुम्हारी वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल स्माइल नजर आती है, लेकिन इस हादसे के बाद जब भी आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हारा वो डरा हुआ सा सहमा हुआ सा लाचार चेहरा मुझे याद आता है। और मैं नहीं चाहता कि ये बात आगे कभी किसी भी लड़की के साथ हो, इसलिए गुजारिश है तुमसे कि तुम मुझे प्रिंसिपल के पास ले जाओ, बीच असेंबली में उनसे कहो कि मुझे रेस्पेक्ट करे और सबको बताए कि हम लड़के इस टॉकिंग जैसी चीज को जो नादानी समझते हैं वो सब एक क्राइम है। लेकिन उन सबों के साथ रहना जरूर सिखा देता है। तो कुछ 8 महीने बीत गए थे इस बात को और इन 8 महीनों में मैंने हर वो मुमकिन कोशिश करी कि कभी भी अपना ये चेहरा उसे ना दिखाऊं, गलती से कभी सामने आ भी जाता तो नजर झुकाए वहां से चला जाता। फिर एक दिन कॉलेज क्लासेस जब खत्म हुई मैं कैंटीन गया, भूख लगी थी, मैंने एक ड्रिंक समोसा ऑर्डर किया। जैसे ही प्लेट आई मैं एक समोसा खाने वाला था कि अचानक वही आवाज पीछे से आई, Excuse me, don't you dare eat that. पिछली बार की तरह इस बार भी ये समोसा पहले ऑर्डर मैंने किया था और 15 मिनट से आप खाई। मैं पीछे मुड़ा और उसे कहा कि पिछली बार और अब की बार दोनों में सॉरी। उसने कहा इट्स फाइन आई अंडरस्टैंड, आई फॉरगिव यू फॉर नाउ एंड फॉर देन। वो वहां से समोसे की प्लेट लेकर जा रही थी, दो कदम आगे चल के वो रुकी, उसने मुड़कर मुझसे कहा कि यार सुन, कभी भी मन करे ना किसी लड़की को समोसा खिलाने के लिए बात कर देगी, पूछ लेना है पीछे हाथ का।